टाइपिंग करें जी, बच्चों को भरपूर हौसला अफजाई कीजिए, ये पाकिस्तान की मुख्य रंग है। ये हमारे सकाफती ड्रेस भी है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की नुमाइंदगी भी है। बहुत खूबसूरत रंग है, बहुत खूबसूरत चेहरे हैं। जी क्लैपिंग चाहिए आप सब लोगों की भरपूर। ये बहुत खूबसूरत मशरक़ की दुल्हन। बच्चियों को हो गया प्रोग्राम ठीक था। नाजरीन, नौजवानों की नुमाइंदगी यहां पर कर रहे हैं मिस्टर नदीम। नदीम आए और नौजवानों की तरफ से कौमी यकजहती के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। मिस्टर नदीम, दो मिनट बात करें। अस्सलाम वालेकुम सबको। आज हम सब कौमी यकजहती के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं। कौमी यकजहती है क्या है? कि सारी कौम यकजा हो जाए? यकजा कैसे हो सकती है कौम? कि एक साइड पे तो बच्चों को खाने को कुछ नहीं मिलता, ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं और वो कहते हैं कि अम्मा मैंने पढ़ना है। माँ कहती है कि बेटा ये बड़े लोगों का काम है। क्या जी ऐसे लोग यकजा हो सकते हैं? कि जिन लोगों को तो पता ही नहीं यकजहती क्या है, जो और एक इन्होंने एक बुजुर्गों ने बात की थी यहाँ पे खुदी की, हम अपने कल्चर को छोड़ के दूसरे को कल्चर दूसरों के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह के ये इंग्लिश का सिलेबस है, ये पूरे पंजाब में एक जमहूरी हुकूमत ने राइज किया है कि हमारा सिलेबस इंग्लिश में होना चाहिए। हालांकि कायदे आज़म ने आयन में लिखा था कि हमारा सिलेबस उर्दू में होगा, ये जमहूरी हुकूमत ने एक आयन तोड़ा है। और अगर कौमी यकजहती सिर्फ यहाँ पे इकट्ठे होके एक प्रोग्राम करने का नाम नहीं है, बल्कि हम इसको प्रैक्टिकली बाद में भी, इस प्रोग्राम के बाद में भी, आने वाले टाइम पे इसको अप्लाई भी करें, इसकी प्रैक्टिस भी करें। किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं हम? लोगों में मुसावात, बराबरी, ये सिर्फ दर्स नहीं है, ये कोई बात नहीं है, इसको प्रैक्टिकली करें कि हम लोग एक जैसे हैं, बराबर हैं, किसी को ऊंचा नीचा, किसी को एक दूसरे से अलग ना समझें। और अभी इन्होंने एक बात की थी कि न्याजी साहब का पिस्तौल पड़ा है वहाँ पे, वो इंडिया में किसी म्यूजियम में। अगर ये लोग हमारे नौजवान को सपोर्ट करें, उनको आगे लेके आए, जिस तरह के बहुत से यूथ ऐसी है जो काबिल है, पढ़ने के काबिल है, उनको वह किस वजह से नहीं पढ़ सकती? कि उनके पास पैसा नहीं है या उनको मौका नहीं मिलता, वो कोई ऑफिसर नहीं बनते। अगर ये ऐसे लोगों को आगे लेके आए तो हम वो पिस्तौल भी ले आएंगे और उसी इंडिया को श्रीलंका का साइज, श्रीलंका के साइज का भी बना देंगे इंशाल्लाह। ख्वातीनों हज़रात, आज की ये महफ़िल बिल्कुल अपने इख्तिताम पर पहुंच गई और मैं आखिरी मुकर्रा हैं जो हमारी कौमी यकजहती कौंसिल शोबा ख्वातीन की मरकजी प्रेसिडेंट हैं
उनसे मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरमा सरबत रबीना साहबा से वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्याल से नवाजें और इसके बाद अपनी आप नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें, यहीं आपको खाना सर्व किया जाएगा। मोहतरमा सरबत रबीना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कि आप इतनी सर्दी में यहाँ तशरीफ़ लाएँ और आपने हमारे साथ ये जो यकजहती का इजहार किया, इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आज हम इस फोरम पे जो सब इकट्ठे हैं, इसका एक मकसद है और वो मकसद है कौमी यकजहती। कौमी यकजहती क्या है? तमाम इंसानी ग्रोहों को जब एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो उसको हम कौम कहते हैं, तो कौम तश्कील पाती है। जो भी ग्रोह होते हैं उनके लिसानी, मजहबी और हर किसी के अपने अपने नज़रियात होते हैं उन ग्रोहों के, लेकिन वो ग्रोहों उन ग्रोहों में जब प्यार, मोहब्बत और इश्तराकियत का जज्बा पैदा हो जाता है तो वो कौम बन जाते हैं। लेकिन अफसोस कि हम 1947 से लेकर आज तक 65 सालों में एक कौम नहीं बन सके। मेरा एक सवाल है, पूरे पाकिस्तान से ये सवाल है कि पाकिस्तान बनने से पहले भी आप मुसलमान थे, आप पंजाबी भी थे, आप सिंधी भी थे, आप बलोची भी थे, आप पख्तून भी थे, तो आपने पाकिस्तान क्यों बनाया था? क्या वजह थी कि आपने एक खित्ते को हासिल करने के लिए 70 लाख इंसानों की जानों का नजराना पेश किया? वो कौन सा मकसद था जिसको आप हासिल करना चाहते थे? वो आपकी शनाख्त का मकसद था, आप अपनी शनाख्त हासिल करना चाहते थे। तो जब पाकिस्तान बन गया, आपको अपनी शनाख्त मिल गई, तो फिर हम क्यों पाकिस्तानी नहीं रहे? क्यों हम ग्रोहों में तकसीम हो गए? क्यों हम लिसानियात में बट गए? क्यों हम इलाकाई तासुब में गिरफ्तार हो गए? तो इन तमाम चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए अब्दुल गफूर वटू साहब ने जो कोशिशें की हैं कौमी यकजहती के लिए, हम उसको उसके फ़रोग के लिए आप सबका तआवुन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान इसमें शामिल हो जाए, पूरा पाकिस्तान इसमें हमारी मेंबर बने और एक ऐसा फोरम तश्कील दे दिया जाए जिसका मकसद सिर्फ पाकिस्तानियत हो। आप अगर आज पाकिस्तानियों की पहली मोहब्बत पाकिस्तान बन जाए तो पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। जब हमने पाकिस्तान बनाया था तो एक नज़रिए का परचम उठाकर हमने पाकिस्तान बनाया था। जब हमने एक नज़रिए के तहत पाकिस्तान हासिल कर लिया तो आज एक और नज़रिए की ज़रूरत है पाकिस्तान को, और वो है नज़रिया कौमी यकजहती का। जब तक कौमी यकजहती पे काम नहीं होगा, जब तक इस नज़रिए को हम नहीं अपनाएंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। जितनी ज़रूरत आज पाकिस्तान को यकजहती की है, दुनिया में किसी मुल्क को इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं चूँकि कौमी यकजहती की सदर होने की हैसियत से पाकिस्तान की, मैं इसके मकासद पे थोड़ी सी रोशनी डालूंगी ताकि आने वाले मेहमानों को इसके मकासद से आगाही हासिल हो सके। कौमी यकजहती के मकासद में है कि ग्रोही, लिसानी, इलाकाई फ़िरकावारियत से पाक कौम की तश्कील, ताल्लुकात आमा को फ़रोग दिया जाएगा कौमी यकजहती के तहत, ज़ातियात का ख़ात्मा किया जाएगा, अवामी शऊर को बेदार किया जाएगा, पाकिस्तानी आवाम को कौमी तकाज़ों से रूशनास करवाया जाएगा, इनफरादियत का ख़ात्मा और इज्तमाईयत को फ़रोग दिया जाएगा, माशरे में रवादारी और बर्दाश्त के लिए माहौल साजगार किया जाएगा, पाकिस्तान के आइनों कवानीन की यकसां पाबंदी करना आवाम और हुक्मरानों समेत, ये कौमी यकजहती के मकासद हैं। और हर तंजीम का एक मुफाद होता है कि वो अपने मकासद में कामयाब होने के बाद उसका मुफाद क्या होता है, तो कौमी यकजहती कौंसिल पाकिस्तान का जो मुफाद है वो है पाकिस्तान का इस्तेहकाम। एक बाइज्जत पाकिस्तान हम सब की ख्वाहिश है,
जिसके लिए हमें आप सबका तआवुन चाहिए, हमें पूरे पाकिस्तान का तआवुन चाहिए। जिसकी भी, जिस पाकिस्तानी की भी सोच फिक्री है, नजरियाती है और कौमी है, वो पाकिस्तान कौमी यकजहती का मेंबर बन सकता है। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये प्रोग्राम चूंकि लाइव जा रहा है, पूरे पाकिस्तान के लिए एक पैगाम है कि आइए इस फोरम को अपनाएं, कौमी यकजहती के लिए काम करें और अपनी एक कौम की सूरत में दुनिया के सामने अपने आप को हम रोशनास करवा सकें। और उसके लिए कौमी यकजहती कौंसल एक मुतालबा करती है, गवर्नमेंट से मुतालबा ये करती है कि हमें हमारी ज़ुबान लौटाई जाए, हमें हमारी कौमी ज़ुबान लौटाई जाए, क्योंकि कौमी ज़ुबान का जो तकद्दस है वो कौमी परचम के बराबर होता है। हमसे हमारी ज़ुबान छीन ली गई है, हमें हमारी ज़ुबान लौटाई जाए, ये कौमी यकजहती कौंसल मुतालबा करती है हुक्मरानों से। हमारे नौजवान आए हैं, उन्होंने भी ये एक कहा है कि हमारे जो निसाब है वो इंग्लिश में कर दिया गया है, जिससे हमारी जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा उसमें मसाइल पेश आ रहे हैं। इस पर हुकूमत अपनी नज़रसानी करे और तालीमी जो है, जो तालीमी निज़ाम है वो यकजहती, कौमी यकजहती को फ़रोग देने के लिए तालीमी निज़ाम आपका बेहतरीन होना चाहिए। हमारे यहाँ इतने तालीमी निज़ाम है कि पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा पाकिस्तान का है। तो गवर्नमेंट से ये हमारी इल्तमास है कि वो तालीमी निज़ाम और कौमी ज़ुबान को खुसूसी उस पर फोकस करे और खुसूसी उस पर अपनी जो है वो तहकीक करे कि क्या पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है। इम्पोर्ट पॉलिसियाँ जो है वो हम पे ना लागू की जाएँ। कौमी यकजहती कौंसल फॉरेन पॉलिसी पे भी तनकीद करती है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी जो हमारी खारजा पॉलिसी है उसको बेहतर बनाया जाए। और उसमें जो सबसे ज़्यादा अहम एक बात होती है किसी कौम के लिए कि वो हुक्मरानों के हाथ में होती है कि अपनी कौम की इज़्ज़त नफ्स को मजरू ना होने दिया जाए। हमारे हुक्मरानों ने बार बार हमारी इज़्ज़त नफ्स को मजरू किया, हमें बार बार बेचा गया, हमारी सोच को गिरवी रख दिया गया। तो हमारा ये मुतालबा है कि वो अपनी खारजा पॉलिसी को बेहतर बनाए और पाकिस्तान के मफादात के लिए काम करे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मोहतरमा सरवत रुबीना साहबा, जो मर्सी प्रेसिडेंट हैं शोभा ख्वातीन कौमी यकजहती कौंसल पाकिस्तान की। अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। आखिर में बच्चों ने मिली नगमा पेश करना है, लेकिन इससे पहले एक नज़म पेश करेंगे हमारे नौजवान शायर हैं नईम कैसर साहब। नईम कैसर साहब आइए और बच्चे इख्तलामी नगमा पेश। बच्चे आ जाइए। कौमी यकजहती कौंसिल के हवाले से सिरे हासिल बहस हो चुकी, जितनी गुफ्तगु हुई इनको अशार की सूरत में आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जनाब मियां मंजूर अहमद भट्टो साहब ने जो नारा लगाया, जो सदा दी, उस पर लबैक कहने वालों का जमे गफीर यहाँ मौजूद है। इन्होंने जो सदा बुलंद की वो कुछ यूं से थी, हम हैं सूरज हमारे साथ चलो, हम हैं सूरज हमारे साथ चलो, हम जहाँ होंगे शब नहीं होगी। जो दिन के मतवाले थे उनकी सदा पर लबैक कहते हुए यहाँ इकट्ठे हुए आप सब लोगों को देखकर यूं महसूस हो रहा है कि जिंदगी धूप की पोशाक उतार आई है, जिंदगी धूप की पोशाक उतार आई है, आप आए हैं कि आंगन में बाहर आई है। आपका आना इस बात की गमाजी है, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बच्चे तेरे जांबाज चले आए हैं, हमने रोंदा है बयाबानों को सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। आपका ये अज़्म देखकर मुझे यकीन है कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। मेरे वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। और वो तमाम वाक़ियात और ख्यालात जो इस कौमी यकजहती मूवमेंट का सबब बने उनको अशार की सूरत में मैंने खुद तरतीब कुछ यूँ दिया है। कब तक यूँ मेरे मुल्क के हालात रहेंगे, कब तक यूँ मेरे मुल्क के हालात रहेंगे, तरखून में हर शख्स के दिन रात रहेंगे, उतरेगी किरण अम की सूरज की भी दिल में, उतरेगी किरण अम की सूरज की भी दिल में, या इसके मकी आज भी सदमात रहेंगे। इकबाल का कायद का वतन होगा ये कैसे,
इकबाल का कायद का वतन होगा ये कैसे, हर चीज से आगे जो मफादात रहेंगे। अपना ही लहू बेचना होगा हमें अरजां, अपना ही लहू बेचना होगा हमें अरजां, जब गैर की हम जेर इनायात रहेंगे। जब तक ये लगा जुल्म का पहरा नहीं हटता, जब तक ये लगा जुल्म का पहरा नहीं हटता, हम लोग तो मसरूफ मुनाजात रहेंगे। थैंक यू नईम साहब। बच्चे आए और पाकिस्तान के हवाले से एक नगमा पेश करें, पाकिस्तान के परचम के हवाले से। नाज़रीन, कौमी यकजहती कौंसिल के ज़रिए तमाम लाहौर में तकरीब जारी थी, आपने मुलाहज़ा फरमाई। वक्त हुआ जाता है ताज़ा तरीन